तू चाहे और दूर बहुत है तारे फिरते हुए सैकड़ों सूरज ब्रह्मांड के ये बंजारे सदियों के भंवर बहते हैं अनगिनत हैं समय के धारे और नीला सा एक मोती कहते हैं जमी हम सारे छोटी सी बूंद धरती सागर से कहीं गहरी है आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है आकाश बहुत ऊंचा है बेटी तूने मेरा चश्मा तो कहीं नहीं देखा अरे हंस रही है तो तूने लगा रखा मेरा चश्मा मैं सारे घर में ढूंढते ढूंढते थक गया दादाजी अब कितने अजीब लग रहे हैं अरे अरे दादाजी आप मुझसे क्यों कर रहे हो सीधे खड़े रहिए ना चश्मा दे दे बेटी नहीं तो तेरी आंखें खराब हो जाएंगी दे दे बेटी दे दे नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी संभलना उल्का सामने मेज है अरे दादाजी कितना बड़ा कीड़ा कहाँ मेज पर ओफो चश्मे तो तेरे पास है देखू तो कैसे ये लीजिए ला अरे ये तो एक छोटा सा कॉकरोच निकला तूने तो मुझे डरा ही दिया था बेटी दादाजी एक लेंस के आंखों के सामने आने से इतना फर्क पड़ जाता है देख लिया लेंस का कमाल लगता है पापा आ गए हाँ अंदर चलो दिखाता हूँ सबको वेरी गुड सामान
शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया जब बच्चों के लिए टेलीस्कोप ले आया। दादाजी ये तो अच्छा हुआ हमने अंकल को देख लिया, नहीं तो उल्का हमें काम बुला देती है ना। हाँ, सारी चार सारे खुद देख ले। उल्का नहीं पापा, ऐसा कभी हो सकता है? ये हुई ना बात, चल छत पर चलते हैं और वहीं अपना डेरा जमाते हैं, वहीं लगाते हैं अपना ये टेलीस्कोप। चलिए ना, आपको नहीं आना टेलीस्कोप देखने? नहीं बेटे से चल, न्यूज का टाइम हो गया है, मैं न्यूज सुन के आता हूँ। सुन के आता हूँ, जब देखो तब सिगार पीते रहते हैं। कितना सुंदर ताले हैं अंकल। कैसा लगा पापा? आओ बेटे, आपने देखना भी शुरू कर दिया, हमारा वेट नहीं किया। अरे बेटे अभी तो फिक्स किया है, कम यू कम। देखा टेलीस्कोप का जादू कैसा है? बहुत सुंदर है। वेरी नाइस। आओ बेटे तुम आओ, शाबाश। तुम्हें कैसा लग रहा है? वाह कितना खूबसूरत है। हाँ है ना खूबसूरत। हाँ। और मैं? अरे हाँ, और तुम? अच्छा तुम ऐसा करो, तुम मेरी गोद में आ जाओ। शाबाश। देखो आंखें जमाए रखना। कैसा है? बहुत खूबसूरत। तुमसे भी खूबसूरत। वेरी गुड, देख लिया। हाँ। क्या बात, अच्छा लगा ना। और अब बारी है उल्का की। मैं तारे तो देख लिए, अब जरा टेलीस्कोप को इस चमचमाते हुए ग्रह की तरफ मोड़ा जाए। आओ। कैसा है पापा? ये तारा कितना सुंदर है और चमकीला भी। यही तो पहचान है वीनस की, यानी शुक्र ग्रह की, है ना? अच्छा पापा, पापा जितने भी ये दोस्त जैसे टेलीस्कोप की खोज की होगी वो वाकई जीनियस होगा। डेफिनेटली उसका ब्रेन कंप्यूटर जैसा होगा। कंप्यूटर नहीं अंतरिक्ष, सबका कंप्यूटर होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि टेलीस्कोप की खोज खेल खेल में हो गई थी तो? खेल खेल में? हाँ, इट वॉज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। एक्सीडेंटल मतलब? मतलब एक लंबी कहानी। तो सुनाइए ना पापा। नहीं अंकल, आपको कहानी सुनानी ही पड़ेगी। क्यों, अब तुम लोगों को घर जाने की देर नहीं हो रही है क्या? नहीं, हम कहानी सुन कर ही जाएंगे। अब सुना भी दीजिए ना पापा। प्लीज अंकल। ओके ओके, ये बात है 17वीं सदी के पहले दशक की। हॉलैंड में हैंस लैपरशे नाम का एक जाना माना चश्मे बनाने वाला था। उसकी एक चश्मे की छोटी सी दुकान थी। दुकान क्या, वो तो चश्मालय था, यानी चश्मों का घर, जहां ग्राहक आकर अपनी मन पसंद के लेंसों के चश्मे बनवाते थे। हैंस सभी तरह के छोटे बड़े चौकोर और गोल लेंस रखता था। कार्यशाला भी थी जहां लेंसों की कटाई और घिसाई का कार्य होता था। उसके पास बच्चे ज्यादातर काम सीखने के उद्देश्य से आते थे। हैंस बच्चों को सबसे पहले लेंस की घिसाई और कटाई करना सिखाता था। कटाई करते समय बच्चों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि कांच चटक कर टूट ना जाए। लेंस घिसते समय उन बच्चों को बीच बीच में ये भी देखना पड़ता था कि कहीं उसमें निशान तो नहीं पड़ गए हैं। भाई जरा सी असावधानी हैंस लैपरशे की ख्याति को चोट पहुंचा सकती थी।
और इसीलिए वो प्रत्येक बच्चे को खुद काम करके दिखाता था। एक दिन की बात है, हैंस अपने कार्य में मग्न पूरी तरह खोया हुआ था। अचानक उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी। अतहन, quick come! Yes. Quick come! What is it? Come, Atahan. What is it? Beautiful, come and see. I'm coming. One moment. Will you stop shouting, boy? What's the matter? Look at this. It's a wonder. What's a wonder? I can see the weather vane over there. What weather vane? There. What nonsense, boy. Here, show that to me. Weather vane. I can't see any weather vane. Not that way, the other way. The other way? Yes. Oh. Can actually see the weather vane. Oh, amazing. How did you do it? Come on, have a look. Come on. Have a look through this. That's it. Have a look through this. Can you see the weather vane? Amazing. Can you see it? Oh, you're a genius. You're smarter than I am. Oh, I've got a marvelous idea. Come on, you two. Come on, come on. Come on. Now, let's see. Give me that pipe. That's right. Now, let's put this one in here. This one. Yeah. Give me the hammer. Give me the hammer. That's right. Now, what about the other end? This one. This one. Put it in. Put it in quickly. That a boy. That a boy. Now, let's have a look. Ah. और इस तरह बच्चों दुनिया को उसका पहला टेलीस्कोप मिला। मानो कहां तक पहुंचे? राजीव रह गया था, इसे भी साथ ले आया। हाँ बेटे, आओ बैठो बेटे। आइए दादाजी, इधर बैठिए। हाँ तो भाई, कहां थे हम लोग? दुनिया के पहले टेलीस्कोप पर। बिल्कुल सही। इस टेलीस्कोप को लैपर्शे मैजिक ट्यूब भी कहा करता था। तो क्या पापा, हैंस लैपर्शे दुनिया का पहला आदमी था जिसने चांद तारे को करीब से देखा था? नहीं बेटे, नहीं। फिर? लैपर्शे ने जिस दौरान टेलीस्कोप की खोज की, उस समय हॉलैंड और स्पेन में युद्ध चल रहा था। ऐसे में हॉलैंड के लिए टेलीस्कोप वरदान साबित हुआ। एक दिन उड़ते उड़ते इस स्पाई ट्यूब की भनक उस समय के महान दार्शनिक और खगोल शास्त्री गैलीलियो के कानों में पड़ी। बालों में लाली लिए 45 वर्षीय गैलीलियो इटली में एक आम कद का आदमी था, परंतु उसके इरादे महान और हौसले बुलंद थे। उसके अनुसार पृथ्वी मस्तिष्क रूपी पालना है, परंतु कोई भी व्यक्ति हमेशा पालने में नहीं रह सकता। उसे ज्ञान बढ़ाकर झूले से बाहर निकलना ही होगा। निरंतर अभ्यास और परिश्रम से उसके उद्देश्यों को सफलता मिल गई, और फिर एक दिन उसने वो कर दिखाया जिसके लिए समस्त मानव जाति युग युगांतर तक उसकी ऋणी रहेगी। लैपर्शे के मैजिक ट्यूब में अनेक परिवर्तन करके गैलीलियो ने उसे वास्तविक टेलीस्कोप बना दिया। Thank you.
कहते हैं अपनी इस खोज के बारे में सर्वप्रथम उसने अपने भाई को लिखा था। उसने एक ट्यूब के दो किनारों पर दो ऐसे लेंस लगाए जिसकी एक सतह गोलाईदार और दूसरी समतल थी। इस तरह उसके पास एक ऐसा यंत्र तैयार हो चुका था जिससे वो किसी भी वस्तु को 1000 गुना बड़ा करके उस वस्तु की दूरी को 30 गुना कम करके देख सकता था। भाई कोई भी व्यक्ति जीवन पर्यंत पालने में तो रह नहीं सकता। यही सोचकर गैलीलियो ने सन 1609 में अपने इस आविष्कार को आकाश की ओर घुमा दिया और फिर रात रात भर जागकर चांद तारों का अध्ययन करना उसकी आदत बन गई। गैलीलियो के रूप में मनुष्य पहली बार टेलीस्कोप द्वारा तारों को देख रहा था। उसने एक पल में इतने सारे तारे एक साथ देखे जितने मनुष्य ने पहले कभी नहीं देखे थे। गैलीलियो से पहले मनुष्य की नग्न आंखों ने कृतिका या प्लीएड्स नामक तारों के समूह में केवल 7 तारे ही देखे थे, परंतु गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप द्वारा उसमें 36 तारे देखे। गैलीलियो ने पहली बार जब चंद्रमा को देखा तो वो हैरान रह गया। चांद की सतह पॉलिशदार एवं चिकनी नहीं थी बल्कि खुरदरी और उबड़ खाबड़ थी। यही नहीं, उसे चंद्रमा की सतह पर वहां के पर्वतों और चट्टानों की फैली हुई छाया भी दिखाई पड़ी। गैलीलियो ने चंद्रमा के बदलते हुए रूप देखे और इसका जिक्र उसने अपनी पुस्तक स्टारी मैसेंजर में भी किया। शुक्र भी चंद्रमा की तरह सूर्य की रोशनी से चमकता है और उसकी परिक्रमा भी करता है। इस बात की पुष्टि भी गैलीलियो ने स्टारी मैसेंजर में की जिसमें वो अपने प्रेक्षण लिखा करता था। यही नहीं, गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप को शनि की ओर भी घुमाया, परंतु वो उसके चारों ओर घूमते हुए वलय के रहस्य को न समझ सका। उसे लगा कि वो शनि के कान है। और अंत में जब गैलीलियो को बृहस्पति के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा जैसे 4 उपग्रह दिखाई दिए तो सदियों से प्रचलित इस धारणा को भी मुक्ति मिल गई कि पृथ्वी समस्त तारों ग्रहों का केंद्र है और सब उसके चारों ओर घूमते हैं। और फिर एक ही शताब्दी में नन्हा सा ब्रह्मांड जिसमें मात्र स्वर्ग पृथ्वी और नर्क एक 3 मंजिले मकान की तरह थे, लोगों के विचारों के साथ चरमराकर गिर पड़ा। चांद तारों और ग्रहों के बारे में आज मनुष्य जो कुछ भी जानता है उसके पीछे गैलीलियो जैसे अनेक खगोल शास्त्रियों का अनेक रातों का अथक जागरण था। इतना ही नहीं भानु, गैलीलियो ने तो अपने टेलीस्कोप को सूरज की तरफ घुमाकर उसका भी रहस्य खोल दिया था। अच्छा याद दिलाया पिताजी। सदियों से यह धारणा थी कि सूर्य स्थिर है और उसमें चंद्रमा के समान दाग धब्बे नहीं है, परंतु गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप द्वारा सीधा सूर्य की ओर देखा और पाया कि सूर्य
पृथ्वी समान घूमता है, उसमें धब्बे भी हैं जिन्हें हम सन स्पॉट्स भी कहते हैं। गैलीलियो की इस खोज ने उस दौर के वैज्ञानिकों को बौखला दिया था। वे मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनकी रूढ़ीवादी परंपराओं का खंडन जो हो रहा था टेलीस्कोप द्वारा। अच्छा भाई, अब बच्चा पार्टी अपने अपने घर जाएगी, रात बहुत हो चुकी है। मगर पापा, जब गैलीलियो सारी सारी रात जाकर चांद तारे देख सकता था तो क्या हम नहीं जा सकते? यार राइट उल्का। हाँ, उल्का ठीक कहती है। पर भाई अब क्यों? सारी कहानी तो तुम्हें सुना चुका हूँ। और जो 17वीं सदी से 20वीं सदी तक टेलीस्कोप में जमीन आसमान का फर्क आ गया है, उसके रहस्य को कौन बताएगा भानु? हाँ, अंकल सुना है, अधूरी कहानी सुनाने से पेट में दर्द हो जाता है। देखो भाई, ये बहुत गलत है, सोओगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। अच्छा, ऐसा करते हैं कि 17वीं सदी से 20वीं सदी तक के दुनिया भर के टेलीस्कोपों की कहानी मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा। प्रॉमिस भानु? हाँ, बिल्कुल प्रॉमिस।